आज के समय में अगर आपको लंबे समय तक फिट रहना है तो ऐसे में वॉक को अपनी रोज़ाना लाइफ का हिस्सा ज़रूर बना लीजिए क्योंकि बदलती जीवन शैली बदलते खान पान ने हमारे शरीर को काफ़ी हद तक आलसी बना दिया है आप भी जिस तरह रोज़ खाना खाते हैं और पानी पीते हैं उसी तरह वॉक भी ज़रूर करें बीमारियों से बचने के लिए वॉक करना ज़रूरी क्यों है बीमारियों से बचने के लिए वॉक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे शरीर आपका एक्टिव रहता है वॉक करने से व्यक्ति की पूरी बॉडी में मूवमेंट होता है साथ ही शरीर के सभी अंग भी अच्छे से काम करते हैं व्यक्ति किसी भी उम्र में वॉक कर सकता है वॉक करने से वजन कंट्रोल रहता है और अन्य कई फायदे मिलते हैं वॉक करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं एक नज़र इस पर डालते हैं वॉक करने से आपका दिल हेल्दी रहेगा वॉक करने से आपके हर्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है जो लोग नियमित रूप से चलते हैं उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर से ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम होता है फेफड़ों की बात करें तो अगर कोई रोज़ पैदल चलता है तो इससे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है पैदल चलने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है जिससे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत होते हैं पैदल चलने से व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा काम करता है इससे आपका पेट साफ रहता है रोज़ पैदल चलने से शरीर में हैप्पी हार्मोन ज़्यादा बनते हैं जिससे आप स्वस्थ रहते हैं दिमाग की बात करें तो पैदल चलने से व्यक्ति का दिमाग तेज़ होता है अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको ताज़ा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी जिससे आपके शरीर में जो ब्लड है उसको ताज़ी ऑक्सीजन मिलेगी वही ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा जिससे आपका जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगा वजन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है ऐसे में अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं तो इससे आपको जो वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी वजन कम करने से जुड़ा एक तथ्य और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए मॉर्निंग अगर आप वॉक करते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन वज़न कम करने वाले रात को जो भोजन करें डिनर करें उसके बाद भी कम से कम 2000 कदम टहलें ऐसा करने से आपका वज़न धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि भोजन करने के बाद का जो रात का वॉक है वो आपके काफ़ी काम का है इसके साथ ही एक और चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपको भागना नहीं है रनिंग नहीं करनी है सिर्फ हम टहलने की बात कर रहे हैं हम वॉकिंग की बात कर रहे हैं वॉकिंग में आपको नॉर्मली टहलना होता है जैसे आप सामान्य तौर पर आप कहीं पर जा रहे हैं उसी स्थिति में आपको टहलना है वॉकिंग करनी है क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे लगातार ऐसा करेंगे तो हमारे देश का जो तापमान है वो गर्म है हमारे देश की प्रकृति गर्म है ऐसे में आपके शरीर की प्रकृति भी गर्म है अगर आप बार बार दौड़ेंगे रनिंग करेंगे तो इससे आपको वात बढ़ने की समस्या हो सकती है आपके शरीर में जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है इसलिए आगे हमेशा ध्यान रखें कि आपने सिर्फ वॉकिंग करनी है आप मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छा है और रात में अगर खाना खाने के बाद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम